हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी सांस लेते हैं हम, सांस छोड़ते हैं ना, तो रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग, दोनों में डिफरेंस है। ब्रीथिंग यानी हम जब एयर को इन ले रहे हैं या आउट कर रहे हैं, तब उसे प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन भी क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं प्लस जो हमारे में फूड है उसका ब्रेक डाउन होना इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो हर ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे यहाँ आजू बाजू ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स प्लस अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक में प्रोसेस अलग अलग है रेस्पिरेशन का। तो हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे गुजू वाज एग्ली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंडपेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। एक दिन की बात है जब गुजू बहुत वेट कर रहा था अपने दादा दादी का कि जो बाहर से आने वाले। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था, उसे बस स्टॉप पे जाना था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो बहुत तेज दौड़ा और बस स्टॉप पे जाके रुका। He was breathing rapidly. मतलब वो सांस बहुत जल्दी ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast. उसकी grandmother ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी सांस से क्यों ले रहे। तो बुजुर्ग told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. जब उसने अपनी दादी को बोला कि मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैं सांस जल्दी ले रहा हूँ, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन स्टक यानी चिपक गया कि भाई ये कैसी चीज है जो क्यों मैं ऐसे ले रहा हूँ। He wondered why running makes a person breathe faster. क्यों ऐसा होता है कि जब कोई इंसान ज्यादा तेज भागता है या जल्दी जल्दी कोई काम कर रहा है तो वो सांस जल्दी लेता है। The answer to Guju question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. उसका जो क्वेश्चन है कि भाई जब हम भागते हैं या कुछ और काम करते हैं तो हम सांस जल्दी क्यों लेते हैं, तो उसका आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के बारे में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं। इन चैप्टर टू यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। हमने चैप्टर टू में देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स दैट इज कॉल्ड सेल। सेल जब बनते हैं तब टिश्यू बनते हैं ना, उसी तरह से हर पार्ट का जो हमारी बॉडी जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से बने। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है वो सबका सबसे छोटा अगर माइक्रोट बोला जाए कि क्या चीज है तो सेल। सेल जब में जाते तब टिश्यू, टिश्यू में जाते तो ऑर्गन, और ऑर्गन सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके बॉडी बनाते हैं। इन सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। हर सेल एक अलग अलग काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज न्यूट्रिशन, खाना लेना उसको पचाना, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वहां चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। एक्सक्रीशन, बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकालना सेल का काम है। प्लस रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी खुद जैसा दूसरा एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। गिविंग बर्थ टू अ न्यू जनरेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। ये सारे फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन करना और रिप्रोडक्शन करना, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। अगर हम सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम सबके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। तो क्या बता सकते कि तुम्हारे पापा पेरेंट्स जो है वो डेली क्यों बोलते कि खाना अच्छे से खाओ। द रीजन इज कि हमें बहुत सारे काम करना है, हमें पढ़ना है, हमें खेलना है, तो जो भी चीजें करने के लिए हमें खाना प्रॉपर खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो खाना है उसमें क्या है, एनर्जी है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती तब हमारी एनर्जी रिलीज होती। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले, किससे, फूड से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते तो हम एयर को अंदर लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर के अंदर क्या कंटेन होता है, दैट इज ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या बाहर निकालते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जब
जब भी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेड पार्ट है वो सभी सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इन द सेल ऑक्सीजन इन एयर हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड. सेल के अंदर ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन यानी टूट जाता है. फूड की प्रोसेस फूड बनता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जब भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एयर से प्लस उसका ब्रेक डाउन हो रहा है एयर का फूड के उसमें सेल के अंदर तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. जो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो हर एक सेल जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल है सब में ये प्रोसेस होता है. इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. सेल जो है इन द सेल के अंदर जो फूड है वो किसमें ब्रोकन डाउन होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द ऑक्सीजन. सेल के अंदर ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी. तो हम अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो दो टाइप के रेस्पिरेशन प्रोसेस है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता. उसके बारे में एक बार देखते हैं. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को बोला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज क्या हमारा फूड है. अगर हमारा ग्लूकोज जो है वो विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है उसे बोला जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी. हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा एनर्जी. वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन अल्कोहल प्रोड्यूस होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. नाउ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज दिस दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर दे आर कॉल्ड एनारोब्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर रहे हैं जैसे कि इस उसे बोला जाता है एनारोब्स. क्या बोला जाता है एनारोब्स. दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन सब ऑर्गेनिज्म को किससे रेस्पिरेशन मिलती है एनारोबिक ऑर्गेनिक रेस्पिरेशन से. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एस गिवन बिलो. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें ब्रेक डाउन हो जा रहा है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. इस द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दे रेस्पायर एनारोबिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन अल्कोहल. जो इस टाइप वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल है ना उसमें जो पूरी बॉडी बनी हुई किससे बनी हुई है सिंगल सेल से बनी हुई. वो जो रेस्पायर कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है अल्कोहल. इसमें ईस्ट जो है उसको यूज किया जाता है किसमें वाइन और बियर बनाने के लिए. अवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. हमारे जो मसल सेल्स है वो भी क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं पर थोड़े टाइम के लिए मतलब टेम्पररी. ऐसा नहीं कि हर टाइम वो उसी से करते हैं टेम्पररी. कभी ऐसा टाइम आता है जब हमें एनर्जी जल्दी चाहिए होती है तो क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं. और मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग साइकिलिंग वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड फॉर एनर्जी हाई. जब भी हम कोई हैवी काम करते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए तुरंत एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं और उसी टाइम पे हमारे ऑक्सीजन बॉडी सप्लाई नहीं कर पाता तुरंत तो हम क्या हमारे जो मसल सेल्स हो किस रेस्पिरेशन करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस से ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी तुरंत दी जाए. क्योंकि हम एक्सरसाइज फटाफट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए तो उस टाइम ऑक्सीजन पूरे अमाउंट में प्रेजेंस ना होने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है. द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है जब हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए होगी तब ये प्रोसेस होती है. इसमें क्या होता है जब हमारी मसल्स से एनारोबिक हो रहा है तो ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ O2 दैट इज ऑक्सीजन गिव्स
क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज जो है, मतलब हमारा खाना किसमें यहाँ हो रहा है? कन्वर्ट एसिटिक एसिड और प्लस एनर्जी एब्सेंस ऑफ ओ2। हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो उसके बाद तुम्हारे मसल्स में एक जकड़न सी आती है, तो ये क्रैम्प क्यों प्रोड्यूस होता है? द क्रैम्प अकर्स व्हेन मसल्स आर रेस्पायर्स एनरोबिकली। ये क्रैम्प्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? जब हम ज्यादा हैवी वर्क लोड करते हैं तो हमारे कैसे प्रोसेस हुई रेस्पिरेशन का? जो मसल एनर्जी के लिए हमने क्या से रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ हमारे बॉडी के अंदर? दैट इज एनरोबिक, इसमें ऑक्सीजन के बिना हो, तो उस इसलिए सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? रेस्पायर एनरोबिकली की करने की वजह से हमें क्रैक्स आना प्रोड्यूस होता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। जो ब्रेकडाउन हुआ हमारे फूड का वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में प्लस एनर्जी। द एक्युमुलेशन ऑफ एसिटिक एसिड कॉज मसल्स क्रम्प्स। जब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे बॉडी के अंदर क्रम्प्स, मसल्स क्रम्प्स होना प्रोड्यूस होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। जब भी हम एक्सरसाइज करते तो हॉट बाथ लेते हैं ना, तो वो क्यों लेते? ताकि जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रम्प्स आना ना हो। कैन यू गाइस गेस व्हाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ और पासेज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे ही हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो अपना मसल्स जो जकड़ जाते हैं, क्रम्प्स आते हैं, वो क्रम्प्स होना कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। इसकी वजह से क्या हो जाता है? मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई होगा, जो ब्रेकडाउन होगा एसिटिक एसिड का वापस किसमें हो जाएगा? इट विल बी ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिटिक एसिड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हुआ था वो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रीथिंग। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सेल विद इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब भी खाने का ब्रेकडाउन होता है ताकि हमें एनर्जी मिले उस नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो किसमें ब्रेकडाउन होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज मतलब जो फूड है वो किसमें हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ओ2, किसमें? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी। वही अब ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो मसल्स क्रम्प्स आते हैं तो क्यों आते हैं? जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है एब्सेंस ऑफ ओ2 में किसमें प्रोड्यूस हो जाता है? एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? मसल्स पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें मसल्स क्रम्प आते हैं। एसिटिक एसिड प्लस एनर्जी। वही हम एसिटिक एसिड को जो ब्रेकडाउन करना चाहते हैं तो हम गर्म पानी से जब नहाते हैं तो ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उस तरह से हमारी बॉडी को जो फूड मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है तो किसकी वजह से मिलती है? दैट इज द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग। ओके, थैंक यू।